दादू भी मस्ती कर रहा है। ये देखो काव्या यहाँ टंग गई है, सारा सफ़र एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। दिन निकल गया है, 8 बज रहे हैं सुबह के, तो ये लोग को सोना नहीं, ये लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। ट्रेन पूरी खाली है पता है। और चैनल पे जो भी न्यू है ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल में। और क्या बोलते हैं, देखो कैसे खेल रही है ना, पापा के ऊपर लदी रहती है। अभी जैसे जाएंगे ना वहाँ नहीं रहेगी, वहाँ तो खेलने बच्चे मिल जाते हैं तो फिर पापा को भूल जाती है, मम्मी को भूल जाती है, बस खेलती रहती है। और इधर रहेगी तो बस पापा 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 पा। तो ये सब बहुत अच्छी यादें हैं हमारे लिए। और जो भी न्यू है ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आज मैं 2 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो एक हो गया है ये वाला, दूसरा है क्योंकि अभी दिवाली वाला वीडियो भी अपलोड करना है। और किसी के कारण से मैं वीडियो जल्दी जल्दी नहीं अपलोड करी थी, तो अभी मैं करने वाली हूँ। देखना भी सारे वीडियो, बहुत लेट हो गए हैं दिवाली वाला वीडियो भी। शक्तिपुंज भी तो नहीं, शक्तिपुंज तो सिर्फ आने वाली का खेल हुआ 10:30। काव्या, हाँ? आपको नहीं सोना है? काय को मजा आ रहा है क्या? हाँ। ये वाली जैकेट हमें घर में लेनी है। नई वाली पहन ले, नई वाली। अब भाई नई वाली। है ना, अंदर रख के निकालूं? हाँ। बस
आओ कावे मार्केट दिवाली से पहले चारों तरफ धूमधाम एकदम मार्केट की रौनक ही देखते बनती है। इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था क्या ले लूँ मैं यहाँ से, कितना शॉपिंग कर लूँ, पर हम लोग को भागम भागी हो जाती है ना घर जाने की जल्दी, तो इस वजह से हम लोग मार्केट में रुक नहीं पाते। नहीं तो इतने सारे दिए, तो सीरीज, तो फूल, तो इतना प्यारा लगता है ना मार्केट में। सच में मैं तो 2-4 घंटे ऐसा लगता है मार्केट में ही बिता लूँ, पर हम लोग को बस पकड़ना था तो हम लोग भी जल्दी जल्दी के चक्कर में वहाँ से निकल लिए और हमने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा क्योंकि बस का टाइम हो रहा था और हम सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके ना हम लोग पहुँच जाएँ घर। आज का हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, हमने रिजर्वेशन नहीं करवाए थे और हम लोग ना जनरल बोगी में बैठ गए और हम लोग को इतनी अच्छी सीट मिल गई, एकदम एक एक सीट हम लोग को एकदम सूस हो के अच्छे से हम लोग आए हैं। ये देखो कितने प्यारे प्यारे टेडीज हैं, तो अच्छे से एकदम इधर उधर पूरा डब्बा हम लोग का ही था ऐसा लग रहा था। तो हम लोग भी ना कई बार ऐसे ही आ जाते जनरल में ही, कोई दिक्कत नहीं रहती। इंटरसिटी में सिटिंग वाला रहता है तो सिटिंग में बैठने की इच्छा होती नहीं है, शक्तिपुंज चलती है तो उसमें रिजर्वेशन कराना पड़ता है, तो उसमें पहुँचते पहुँचते हम लोग को रात के 12 बज जाते इस वजह से। और आज था संडे, तो संडे को ये लोग का रहता है ड्यूटी में, बहुत ही बढ़िया दिन, तो आज संडे भी छूट गया था इनका और दिवाली वाला पीएच भी छूट गया था क्योंकि दिवाली के दिन एनसीएल वालों का पीएच रहता है और संडे स्पेशल रहता है, तो उस दिन भी तनख्वाह ज़्यादा रहती, तो दोनों का नुकसान भी हो गया था। पर हमारा सफ़र बहुत अच्छा कट गया, बहुत मज़ेदार सफ़र। अब आगे देखो बस का कैसा रहता है, से बस का भी बहुत अच्छा लगा। और ये सारे वीडियो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान थी तो वीडियो नहीं अभी मैं अपलोड कर पा रही थी, तो अभी मैं कर रही हूँ। और अभी भी जो है उलझने तो है, उलझने कभी कम नहीं होने वाली है, उलझने बहुत धीरे धीरे कम होती है तो वो हो जाएगी समय के साथ कम। देखो और हम लोग अभी पता है वापस भी आ गए हैं सिंगरौली, पर ये जो वीडियो है ये अपलोड कर रही हूँ, देखना ज़रूर पूरा पूरा। और आज का सफ़र हमारा बहुत ही बढ़िया कटा। आ रहा है, मैं डाल
भूख नहीं लगी? मेरा नाम इनके लिए ना खाना नहीं लाना चाहिए, इनके लिए ऐसे बाहर का ले लो बस समोसा ये खाना लाई हो तो किसी ने नहीं खाया। हाँ इसीलिए खाने की इच्छा नहीं थी पर मैंने भी जबरदस्ती खा ली। पूरी सब्जी तो रखी हुई है, वही ढोकला नमकीन ढोकला। उधर का थोड़ा सा खुले, पूरा मत खोलो। काव्य कहाँ गई? काव्य गई, पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ। ये रही, ये रही, ये रही काव्य। कहाँ गई? फिर नहीं छोड़ेगी। बता रहे हैं वाला वीडियो है। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हाँ